नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आपके दांतों पर पीलापन है? दांतों में दर्द रहता है आपके? मसूड़े आपके फूल जाते हैं? मुंह से बदबू आती है? अगर इनमें से कोई भी समस्या है या दांतों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो मैं आज आपको ऐसी होम रेमेडी बताने जा रहा हूं जिसका अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे आपकी ये सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। और अगर आपके दांतों में कीड़ा लगता है, बार बार कीड़ा लग जाता है, तो वो भी आज दूर होने वाला है और दांत एकदम आपके चमकने लगेंगे आज के बाद। तो बिल्कुल सही जगह पे हो। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए ताकि आप इसको प्रोसेस वाइज आप पूरा समझ सकें, ठीक है ना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बादल और आज इस वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगा जो आपके दांतों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो दांत हैं वे चमकने लगे तो आपको ये होम रेमेडी जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेना है दोस्तों फिटकरी। उसका पूरा प्रोसेस आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले लेना आपको फिटकरी, ठीक है ना। उसको फिटकरी को आपको कूट लेना है, उसको पीस लेना है, है ना। पाउडर फॉर्मेशन उसका कर लेनी है, पाउडर फॉर्म में उसको कर लेना है। इसके बाद आपको उसको छान लेना है। छानने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेना है और उसको तवे पर धीमी आँच से उसको एक तरह से रोस्ट करना है, ठीक है ना। उसको धीमी आँच पर उसको जलाना है। आप देखेंगे कि क्या होगा कि तवे पर क्या होगा, वो पानी का रूप में वो बन जाएगी, जो फिटकरी है वो पानी का रूप ले लेगा और धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो सूख जाएगा और सूखने के बाद पापड़ की तरह वो बन जाएगा। और दोस्तों, जब वो पापड़ की तरह बन जाए तो आपको आँच जो है, जो अग्नि है, उसको बंद कर दें, ठीक है ना। उसके बाद उसको उतार लें। उतारने के बाद जब वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद उसको फिर दोबारा से पाउडर फॉर्म में उसको कर लेना है। पाउडर फॉर्म में करने के बाद उसको फिर क्या करना है, आपको उसको पीस लेना है। पीसने के बाद छान लेना है, ठीक है ना। छानने के बाद आपको ये क्या काम करना है, आपको ये ले लेना है, ठीक। किसी भी आप डब्बे में इसको रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मान लिया आपके जो फिटकरी आपने ली, मान लिया स्टार्टिंग में अगर आप यूज़ करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि इससे रिजल्ट मिलता है नहीं, तो आपने लिए अपने 2 चम्मच फिटकरी का जो पाउडर है वो आपका बना। इसके बाद क्या करना है आपको, आपको लेना है सेंधा नमक। तो जो सेंधा नमक है वो लेना है दोस्तों आपको 1 चम्मच के करीब लेना है। कैसा है, सेंधा नमक ही लेना है। उसको पीसना है, छानना है और 1 चम्मच आपको पाउडर फॉर्म जो है उसकी वो ले लेनी है। दोनों को मिक्स अच्छे से कर लेना है। मिक्स करने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको आपको जो आप अपने जो दंत मंजन आप करते हो, जो टूथपेस्ट का आप इस्तेमाल करते हो, वो सुबह के समय उसको तो करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो इस्तेमाल आपको करना है वो करना है शाम के समय जब आप सोने जाते हो। तो सोने से पहले आपको ये करना है। अगर आपके दांतों में ज़्यादा समस्या है तो आप रोज़ाना भी इसको कर सकते हो, लेकिन अगर कम समस्या है, ठीक है ना, तो आपको हफ्ते में करीबन 2 से 3 बार आपको इसका इस्तेमाल जरूर ही करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में क्या होगा कि आपके जो दांत हैं वे एकदम से चमकने लगेंगे। दांतों में अगर कोई किसी भी तरह का कीड़ा है वो खत्म हो जाएगा। मसूड़ों में सूजन रहती है, ठंडा गर्म लगता है, वो सारी की सारी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपकी दांतों की जो प्रॉब्लम है उसका सबसे बेस्ट होम रेमेडी या सॉल्यूशन आप मान सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जो फ्रेंड्स का आपका ग्रुप है उसमें शेयर करें ताकि वे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।